मैम ही आपका ऑर्डर। काजल तुम यहां क्या कर रखा है तुमने? ना तो तुम्हारे गले में मंगलसूत्र है, ना तुम्हारे माथे पे सिंदूर है, और तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? काजल क्या हुआ, तुम जानती हो गए इसे? हाँ। पहले भी आया हुआ है? नहीं भाई, वो हम और काजल स्कूल के दोस्त हैं, साथ में हम लोगों ने पढ़ाई की है, इसलिए एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, स्कूल के फ्रेंड हो तो बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, अंदर आके बैठो ना, बात करते हैं। नहीं भाई, मुझे और जगह भी ऑर्डर देने जाना है, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं फिर कभी आता हूँ। अरे भाई, काम तो होता रहेगा, आओ ना, दो मिनट बैठ के बात करते हैं। अरे आओ ना भाई, इतना क्या सोच रहे हो? थैंक यू। कैसे हो भाई? बस भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ भाई। आप काजल के हस्बैंड हैं? नहीं नहीं, मैं तो इसका बॉयफ्रेंड हूँ। कितने साल से साथ में हो आप दोनों? यही करीबन 8-9 महीने। क्यों काजल? सही है, तो आप लोग शादी कब कर रहे हो? शादी का तो अभी कुछ सोचा नहीं है, पर हाँ, शादी करूँगा तो सिर्फ काजल से। वैसे तुम बताओ, तुम इतने टाइम से साथ में हो, स्कूल फ्रेंड्स हो, ये तो मुझे कभी अपने बारे में बताती नहीं है, तुम ही बता दो इसके बारे में। जहाँ तक मैं काजल को जानता हूँ, ये अपने सपनों को लेकर के बहुत सीरियस है। जो इसके सपनों को पूरा करेगा, ये उसी के साथ रहेगी, वरना ये छोड़ देती है। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब, काजल का सपना बहुत बड़ा है ना, तो अपने सपनों को लेकर के वो बहुत सीरियस रहती है, वो अपना सपना पूरा करके ही मानती है। और वैसे भी वो लड़की उसके साथ क्यों रहेगी जो उसके सपने ना पूरा कर पाए। सही बात है भाई, और वैसे भी ना, मैं काजल के सारे सपने पूरे करता हूँ, और जो कुछ भी मेरा है वो इसका भी तो है। सही बात है, और वैसे भी काजल तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो बल्कि ये मेरा दोस्त है, और तब से हम दोनों ही बातें किए जा रहे हैं, तुम भी कुछ बोलो। हाँ, कैसे हो तुम? मैं बढ़िया हूँ। वैसे भाई आप बताओ, आप सिंगल हो या मैरिड? भाई अभी तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, मैं सिंगल हूँ या मैरिड हूँ। क्या मतलब? क्योंकि जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी वो मुझे छोड़ के चली गई। पर क्यों? भाई डिलीवरी बॉय के साथ कौन सी लड़की रहना चाहेगी जिसके सपने इतने बड़े बड़े हों? उसको कोई हमसे अच्छा मिल गया, इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। वैसे भी हम गरीब के साथ कौन रहना चाहेगा। वैसे भाई बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। काजल तुम तो नहीं करोगे ना मेरे साथ ऐसा? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? वैसे भाई एक बात बोलूं, वो लड़की ना आपका प्यार डिजर्व ही नहीं करती थी, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई नहीं भाई, जो जिसके साथ जैसा करता है ऊपर वाला भी उसके साथ वैसा ही करता है। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, मुझे और घर भी जाना है डिलीवरी देने के लिए। वैसे काजल बहुत बुरा हुआ ना उस लड़के के साथ। हाँ तुम सही कह रहे हो। अच्छा सुनो ना, तुम इतना खाना डाल दो, मैं उसको बाय बोल कर आती हूँ, बहुत दिनों बाद मिले हैं ना, और मैंने उसको सही से बाय भी नहीं बोला। ठीक है। सम्राट सम्राट प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? ये तो मैं यहाँ पे ऑर्डर देने आ गया तो मुझे सच्चाई का पता चल गया, वरना तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, और तुम कह रही हो कि मुझे माफ कर दो। सम्राट सम्राट मैं उसे छोड़ दूंगी। छोड़ दोगी? फिर इसको छोड़ के किसके पास जाओगी? क्या मतलब? मतलब ये कि आज से बल्कि अभी से मैंने तुमको छोड़ दिया है, और दोबारा मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करना तुम, और चली जाओ यहाँ से अभी, इससे पहले कि वो यहाँ पे आए और उसको मैं सच बता दूँ। और वैसे भी तुझको वो सब मिल गया ना, बड़ा घर, अमीर बॉयफ्रेंड, लेकिन तू उसको भी धोखा ही दे रही है।
सम्राट देखो प्लीज ये मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। बस तुझको जाते जाते मैं एक सलाह दे के जा रहा हूँ, कोई और अमीर लड़का मिल जाए तो उसके चक्कर में इसको धोखा मत देना, क्योंकि ये तुमसे बहुत प्यार करता है। अब जा, जी ले अपनी जिंदगी, तुझको जैसी जिंदगी जीनी थी। सम्राट, सम्राट। हेलो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।